पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। एक बार फिर से मौसम विभाग ने लगभग 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। जिन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है वो जिले पहले से ही बाढ़ से प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग का इन जिलों में अलर्ट जारी करना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में जो हालात है, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों की बात करें तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच ऐसी खबर निकल कर आना उन लोगों के लिए जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में रह रहे लोगों को अलर्ट किया है। इन जिलों में गरज के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण बिहार के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। गुरुवार यानी कि कल दोपहर से लेकर रात में पटना सहित कई इलाकों में बारिश के साथ लोगों को काफी राहत भी मिली है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून की ट्रफ रेखा नलिया, उदयपुर, गोंदिया, गोपालपुर होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का प्रवाह भी बढ़ रहा है। इन सब मौसमी कारकों के प्रभाव से 24 घंटे में उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी सहित 19 जिलों में अधिकांश स्थानों पर और दक्षिण बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद जिले में अनेक स्थानों पर गरज व आकाशीय बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिण बिहार में बारिश के पूर्वानुमान के बीच लोगों को आकाशीय बिजली से सावधान रहने को कहा है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया व किशनगंज में भारी बारिश को लेकर विशेष चेतावनी दी है। यहां गुरुवार दोपहर से यानी कल ही दोपहर से बारिश का सिस्टम एक्टिव है। अधिकांश जिलों में रात में भारी बारिश रिकॉर्ड भी की गई है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और मधुबनी में गुरुवार दोपहर के बाद से बारिश हो रही है। इन जिलों में रह रहे लोगों को विशेष चेतावनी जारी कर दी गई है। इन जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने व भारी बारिश की संभावना है। लोगों को पूरी तरीके से अलर्ट रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पटना सहित 25 जिलों में 24 घंटे पूर्व एक भी बूंद बारिश नहीं हुई थी, जबकि 13 जिलों में बारिश हुई। 4 जिले बस ऐसे रहे जहां औसत से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें किशनगंज 26%, पूर्णिया में 111%, भागलपुर में 65% और मधेपुरा में सामान्य से 68% अधिक बारिश हुई है, जबकि अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी और कैमूर में गुरुवार को दोपहर से पहले औसत से 59% कम बारिश हुई है। वहीं अगर बात कटिहार, बांका, रोहतास की करें तो वहां औसत से लगभग 60-95% तक कम बारिश हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद जिन इलाकों में खास करके मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर, चाहे बात मुजफ्फरपुर की हो या दरभंगा की या मोतिहारी की, ये सभी जिले बाढ़ से पहले से ही प्रभावित है। उसके बाद से मौसम विभाग का ये अलर्ट जारी करना इन जिलों में रह रहे लोगों के लिए काफी दिक्कतों भरा हो सकता है, क्योंकि ये पहले से बाढ़ का कहर झेल रहे, ऊपर से बारिश उनकी बाढ़ की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।